हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज अपनी ब्लैक बोल्ट की थ्रेसिंग का काम स्टार्ट होना है, तो बस मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। अभी सुबह के लगभग 6:30 बज रहे हैं और मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी है। और जैसे मैं लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों के लिए कि M85 का क्या एवरेज रहा, ऐसे ही मैं इस वीडियो में बताऊँगा। और सर, तो हमें अभी करनी है अपने सोनालिका की माइनर सर्विस। मेजर सर्विस नहीं करनी है, माइनर सर्विस। मेजर सर्विस वो होती है जिसमें अपन ऑयल चेंज करते हैं, कूलेंट चेंज करते हैं, डीजल फिल्टर चेंज करते हैं। और माइनर सर्विस वो होती है जिसमें अपन रेगुलेटर साफ़ करते हैं और एयर फिल्टर साफ़ करते हैं और कूलेंट को मेंटेन करते हैं और थोड़ी साफ सफाई करते हैं। इसका भी अपन रेगुलेटर साफ़ कर देंगे, एयर फिल्टर साफ़ कर देंगे, थोड़ा पानी मार देंगे। ऑल सेट। ट्रैक्टर की माइनर सर्विस तो हो गई है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर है कि ये जो हिच है ये काफ़ी ज़्यादा निकल आती है, यहाँ तक निकल आती है। तो इसके अंदर कोई मोटा सा बासर डालना पड़ेगा, बड़ा सा बासर। तो चलो इसके अंदर एक बासर डालते हैं, मैं बता रहा हूँ। अपन एक चीज़ को डाल रहे हैं, चलो दिखाता हूँ आपको। अपन इसको डाल रहे हैं यहाँ से काट के ग्राइंडर से। ऑल सेट, इसकी माइनर सर्विस हो गई है और अब मैं इसकी सर्विस कर रहा हूँ। कल अपन विजय वाले थ्रेसर से थ्रेसिंग कर रहे थे, आज अपन इस थ्रेसर से थ्रेसिंग करेंगे। इसमें क्या करना है, इसमें जो ये जाली है इसके लिए ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करना है। पहले मैं सोचा था ये जाली लगा दूँ, पर इस ये मसूर वाली जाली है और बड़े साइज़ की जाली अपने पास है नहीं। है तो उसका मतलब दूसरे थ्रेसर की है, तो वो इतनी साइज की है। तो कोई ना, अपन इसको भी ऊपर कर देंगे तो काम चल जाएगा। तो चलो अंदर चलते हैं। एक ही अपने पास खाली फ्रेम है जो कि अपन ने अभी अभी बनवाया था, इस पे अपने लिए मोटी वाली जाली लेकर चढ़ानी है, वो अपन ले आएंगे। फिलहाल तो इन जॉइंट्स को खोलते हैं और इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं। ऊपर शिफ्ट करने से क्या होगा कि जो ऊपर से ग्रेन गिरेगा वो एकदम से नीचे नहीं आ जाएगा, ऊपर रहेगा। ऊपर बनता है वैक्यूम, यानी कि हवा खींचती है, तो जितना भी कचरा रहता है वो उठ के बाहर चला जाता है और कुछ पीछे गिर जाता है और कुछ साइड से उड़ जाता है और दाना अच्छा वाला आ जाता है। चल, और इसमें भी काम चल ही रहा है। इसकी जो हिच है उसमें थोड़ी सी वेल्डिंग करवाने, भाई पसीने निकल गए, पसीने निकल गए, जान निकल गई। इधर अंदर फंसा रहता है तो इधर हाथ डाल के कुछ मत पूछो, इसको फंसा के पाना तो यहाँ पर कोई लगता नहीं। तो अंदर जुगाड़ू पाना बनाया, दोनों साइड इस नट के दोनों साइड से ऐसे लीवर घुसाए और फिर इसको आगे से इधर से घुमाया, तब जाके खुला। चलो कोई ना, खोल तो दिया है। अब वो एक बारी उसमें वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पतली हो गई थी तो उसमें वेल्डिंग भरवाने के लिए गए ताकि वो मोटी हो जाए और वो जल्दी से टूटे ना, क्योंकि जब मैं ट्रैक्टर चलाऊँगा तो उसका टूटना निश्चित है। ट्राली अच्छी भरी होगी सोयाबीन से और मैं ट्रैक्टर चलाऊँगा, ट्रैक्टर थोड़ा सा उठेगा तो वो टूट जाएगी, इसलिए उसमें अपन वेल्डिंग भरवाने के लिए गए हैं। चलो बन गया कम। ऑल सेट, तो अपन इसको भी बाहर ले आए हैं और अब इसके अंदर भरा है भूसा, ये देखो। तो इसको खाली करना पड़ेगा और अब अपन इसमें नेट लगाएंगे। मैं नई नेट लेके आ गया हूँ क्योंकि तरपाल में क्या होता है कि हवा निकलती नहीं है, उसके अंदर भर जाती है। नेट में क्या रहेगा कि हवा निकल जाएगा, भूसा रह जाएगा, तो नेट लगा देंगे अपन आज। और अभी फिर हाल इस ट्रैक्टर को रिवर्स में ले चलते हैं, अंदर इसको डंप कर देते हैं, भूसे को खाली कर देते हैं। दो लेबर भेज दूँगा घर पर तो वो कर देंगे इसको खाली। और इसमें अपन आज राजस्थानी थ्रेसर ले जाएंगे। राजस्थानी थ्रेसर से क्या होगा कि जल्दी जल्दी कटाई होगी और उससे अपन काट के देखेंगे। विजय से तो कल काट के देख लिया है, आज अपन राजस्थान से काट के देखेंगे। चलो इसको रिवर्स में अंदर की तरफ ले चलते हैं। तो भाई बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, पर मैं कर रहा हूँ रिवर्स, कहीं ठुकेगी तो पता चलेगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने ड्राइवर्स को लेने के लिए, चलो चलते हैं। अपन अपने सोनाली को लेके चलते हैं, फिर वहाँ से बाइक से वापस आएंगे और फिर न्यू हॉलैंड को ले जाएंगे और फिर ट्रॉली लेने के लिए फिर से आना पड़ेगा। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल तो
चलो चलते हैं। इसमें अपन ने बोरियां वगैरह रख ली हैं एंड एवरीथिंग लुक्स ऑल द वे फाइन। अंदर कर ले। मैं अपने मारे यहाँ सीखूंगी, बस सोच रही कि जीने खा ले। उठा गई आओ जिंदा मेंढक खा गई। तुम खा सका था? खा तुम खा सका था? और सर तो अभी हम लोग जा रहे हैं बांस काटने के लिए। तो कल जो अपने टेंट बनाया था वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, तो अपने अंकित भाई ने एक आइडिया दिया है कि जो ट्रॉली के वो जहाँ पे सपोर्ट लगाने के लिए रहता है उसमें अपन तीन बांस ऐसे ऐसे करके लगा देंगे तो ट्रॉली ऐसी राउंड शेप की हो जाएगी। फिर उसके अंदर अपन नेट लगा देंगे और फिर करेंगे तो भूसा का काम बढ़िया बन जाएगा। तो चलो देखते हैं, करते हैं कैसा क्या रहता है। लेट्स गो। और रास्ता देखो सर जी, कैसा कैसा रास्ता है। गुमनाम है और का जिगरा वाली बात है। घुसबो दिल में ही घुसबो जिगरा वाली बात है। जे सुंगरों के पग छिन्न उछरे है चरण पादुका उछरी है सुंगरों की। एक में फिक जाए। अरे फट रहा हो। ये देखो गाइस माँ का टुकड़ा। ये देखो अब तना ऑल सेट। ये देखो भैया, ये देखो तुम नहीं दिखा रही टेंशन ले ले। Looks insane. All set, तो अपन इंस्ट्रक्टर को घर पे लेके जा रहा है। पहले मैं बाइक से जा रहा था, अब बाइक से नहीं जा रहे हैं क्योंकि अपने लिए एक थ्रेसर लेके आना है। एक थ्रेसर है यहाँ पे, पर उससे थ्रेसिंग नहीं करेंगे, राजस्थानी से करेंगे। तो एक थ्रेसर लेके आना है, एक ट्रॉली लेके आनी है और इसमें डीजल भी रिफिल करना है। तो चलो इसको घर पे लेके चलते हैं। तो हाँ जो गाड़ी की चाबी गाड़ी में लगाया हूँ। अब मेरा थोड़ा प्लान चेंज हुआ है। निकल रहा हूँ खीला आ रहा है। अब मेरा प्लान थोड़ा चेंज हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि रुक जा बैठा तुम, हम बढ़िया चलो तो बड़ा आवाज है। तो मेरा ये प्लान चेंज हुआ है कि अब मैं इस ट्रैक्टर को कर रहा हूँ ट्राली पे। इस ट्रैक्टर से करेंगे डंपिंग, उस ट्रैक्टर से चलाएंगे थ्रेसर। कल काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा था जब हम इसको थ्रेसर से चला रहे थे क्योंकि इसमें थोड़ा कूलेंट कम है और पानी अपन डाल नहीं रहे हैं क्योंकि अपन कूलेंट ही डालेंगे। जान दे अब भीतर पड़ जाओ तुम, थ्रेसर फंसा ले मैं। भीतर चले जाओ, भीतर थ्रेसर फंसा ले मैं। आप दूर से बैठ के देखो, मैं इसको खोल लेता हूँ। As you guys can see, अपना टेंट हो गया है तैयार और अपनी जो ट्रैक है ट्रैक भी हो गई तैयार। चलो चलते हैं, थ्रेसर को लगाते हैं और काम शुरू करते हैं। थोड़ी धूप भी लग गई है और लेबर्स भी खड़े हैं, वो देखो कुछ नहीं कर रहे। ऑल सेट, आज अपन लेके आए ये वाला थ्रेसर और इसमें कटरों का गैप थोड़ा मुझे कम लग रहा है। जगह कर भाई तेना होते हाँ। इधर थोड़ा इनको शिफ्ट करना पड़ेगा अंदर की तरफ, तो 24 के पाना चाहिए पड़ेगा। बंद कर लेता 24 के पाना कर दी जो है 24 के पाना जगह करवा दे यार। ऑल सेट, एवरीथिंग लुक्स ऑल द वे फाइन। वहाँ पर ट्रॉली भी लगा दी, थ्रेसर भी लगा दिया, अब आए हैं अपन लाख भरने के लिए। तो चलो ट्रॉली लोड करते हैं और ले चलते हैं। और ये वैरायटी है ब्लैक बोल्ट। चलो ये है कुछ प्लांट की साइज,
ऊंचाई काफी ज्यादा बड़ी थी। ये देखो टाइप का है, दाने में भरा भी ठीक ठाक है। ये रहा ब्लैक बोल्ड, चलो ट्रॉली भरते हैं फिर चलते हैं। और सर तो अभी मैं जा रहा हूँ घर पर डीजल लेने के लिए। अभी मैंने बोला था कि अपन घर पे जा रहे हैं और वहां से देखो मैं काला लग रहा था, तो अपन घर पे जा रहे हैं और कैसे नहीं, और अभी अपन घर पे जा रहे हैं और डीजल लेके आ रहे हैं। चलो चलते हैं। अपन ट्रैक्टर से घर भी गए थे, दोनों ट्रैक्टर घर पे ही खड़े थे, डीजल भी घर पे रखा था पर डाला ही नहीं, क्या कर सकते हैं, दिमाग ही नहीं चला, भूल गए। चलो तो डीजल लेके आते हैं, मैं से है तो लेकिन डाल लेते हैं। दिस इज समथिंग व्हाट आई हैव कैरीड विद मी, डीजल पाना, इसमें भी पाना और हथौड़िया। चलो चलते हैं। वो तो भगाने है डीजल, वो अपनी आप जल कर लो ऊपर से। इतनी काबर वाले आए हां का नहीं है 15 आगे पाना है ए 15 आगे खाली भी पाना दे दो। हथौड़िया भी लिया है, वो भी लिया है, वो कौन पाना है, कुत्ता पाना, कुत्ता पाना कहां है, बहुत भर वाले है का भाई, कलाकार हूं। वर्क इज ऑन प्रोग्रेस एंड वी आर चेंजिंग द ग्रिल, उसको निकाल के फेंका है, दूसरी ग्रिल डाल रहे हैं और देखो शायद अपन इसी से करेंगे थोड़ा सा। देखो जी सर ट्राई लोड होके आ गई है, हो गया है शुरू। जितना एक्सीलेटर खींच दे, जिसका मुझे डर था वही बात हो गई। थ्रेसर फिर से चेंज करना पड़ेगा। ऑल सेट, द इवनिंग हाफ हैज बीन स्टार्टेड और अब अपन राजस्थानी थ्रेसर से कर रहे हैं थ्रेसिंग। चलो करते हैं स्टार्ट। मॉर्निंग में ज़्यादा कुछ नहीं किया था क्योंकि जो अपनी लाख है वो उतने अच्छे से सूखी नहीं थी, पर अब सूख गई है तो अब अपन थ्रेसिंग करेंगे धड़ाधड़। ऑल सेट, द वर्क ऑफ इवनिंग हाफ हैज बीन स्टार्टेड। गर्मी नेक्स्ट लेवल की पड़ रही है और वो वहां पे करपा बना रहे हैं और वहां पे नहीं दिख रहा शायद कटाई चल रही है और यहां पे अपनी चल रही थ्रेसिंग। सेट एक ट्रॉली तो कट गई है, अब चल रहा है अपन दूसरी ट्रॉली भरने के लिए। हे प्रभु, कमेंट में देखो, हे प्रभु। Well said, finally the work has been completed. ट्रॉली लोड हो गई है, ट्रॉली में बन नहीं रहा था तो ये देखो कितना सारा नुकसान हुआ है, मतलब भूसा नीचे गिर गया है। कोई ना, अपन भरवा लेंगे इसको कल सुबह। ट्रॉली फुल हो गई है और बोरियां भी देखो। आज वैसे अपने ज़्यादा थ्रेसिंग तो नहीं की, बस 2.5 ट्रॉली की थ्रेसिंग की होगी, बट प्रोडक्शन अच्छा रहा है। और आज भी लगभग अपन ने 1 से 1.5 एकड़ के समथिंग थ्रेसिंग की होगी। जो अपना कल था लगभग 8 साढ़े 8 क्विंटल प्रति एकड़ का।